नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार आपके अपने चैनल लक्ष्य में। मैं अजय फिर एक बार आप लोगों के बीच। जैसा कि मैं आपको एक जानकारी पिछली वीडियो में भी दे चुका हूं, इस वीडियो में फिर मैं आपको वही जानकारी देना चाहता हूं कि हमारी टेस्ट सीरीज 4 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रही है, जो कि पहली टेस्ट सीरीज आप सभी लोगों के लिए निःशुल्क रहेगी, जो कि SI स्पेशल के लिए रखी गई है। ठीक है, तो देखिए हमारी पहली टेस्ट सीरीज फ्री होगी, बिल्कुल आपको लेना है उसको और देखना है कितना आप कर पाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपको अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन की जाए आप लोगों की, यानी तैयारी जो है आपकी उसको अच्छे से अच्छा करने के लिए हमने टेस्ट सीरीज को रखा है, जो कि पहली टेस्ट सीरीज 4 अप्रैल को निःशुल्क बिल्कुल फ्री होगी आप सभी लोगों के लिए। तो उस टेस्ट सीरीज को देखें और उसमें अपना परफॉर्मेंस दें। तो चलते हैं आज की अपनी पहली वीडियो पर, जो कि आज की डिस्काउंट की पहली वीडियो हम लेकर आए हैं, यानी बट्टा डिस्काउंट। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का ही एक भाग है, लेकिन मैंने इसके क्वेश्चन अलग रखे हैं ताकि आपको भी दिक्कत ना हो समझने में और मैं भी आपको आसानी से ये सब चीज़ें समझा सकूं। जैसा कि मैं हर एक वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ कर जाता हूं, कल भी मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था। मेरी पर डे शाम 4 बजे वीडियो देखने के लिए मेरे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रत्येक शाम 4 बजे मेरी वीडियो यूट्यूब पर आ जाती है, तो हर एक क्रम वाइज अपने डाउट्स और क्रम वाइज जैसे हम कहते हैं कि हमारे एक एक्सरसाइज के अंदर कितने टाइप्स होते हैं, उन सभी टाइप्सों को हम क्रम वाइज लेकर चल रहे हैं। जो आपका टाइप्स क्लियर ना हो उस टाइप को हमारे चैनल से क्लियर करें। तो चलते हैं आज के अपने पुराने वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारी कल की वीडियो थी, कल शाम 4 बजे वाली। आज उस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैंने क्वेश्चन बोला था आप लोगों के लिए, क्वेश्चन रिवाइज करता हूँ। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 यानी 1265 रुपये है। तो देखिएगा, मैंने ऑप्शंस आपको रखे थे। पहला ऑप्शन है 800, दूसरा ऑप्शन है 900, तीसरा ऑप्शन है 1000 और चौथा ऑप्शन है 1100। तो देखिएगा, हमने माना उस का यानी उस निर्माता का उत्पादन मूल्य क्या था, माना उत्पादन मूल्य ए रुपये था। इसी पर ही उसको क्या हुआ, पहले 110 यानी 10% थोक विक्रेता का लाभांश था, तो 110 100 पे ही जोड़ते हैं और 100 पे ही घटाते हैं, परसेंट के लिए 100। आगे चलते हैं, तो लाभांश 15% फुटकर विक्रेता का लाभांश तो 115/100। ठीक है, ये किसका लाभांश था, फुटकर विक्रेता का लाभांश, और 25% हो यानी फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो तो 125/100। ठीक है, तो देखिएगा, हमने माना यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% और फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% है। 10% 110, 15% 115, 25% 125, परसेंट के लिए 100 100 100, उसका जो कोई मूल्य था यानी उत्पादन मूल्य ए रुपये था, और इन सब के बाद उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपये है। यानी इतना लाभ देने के बाद ये चीज़ 1265 रुपये की हो जाती है, तो उसका उत्पादन मूल्य क्या था। देखिएगा, हम इसको काट लेते हैं, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक है, अब इसे काट लेते हैं, 5 दूनी 10, कितना बचा, 1, 15 होगा, 5 3 15 23 और 5 दूनी 10 20 बार चला गया। ठीक है, अब इसे काट लेते हैं, 5 चौक 20, 0 से 0, तो ये क्या हो जाएगा, ए बराबर 1265, 1265 जिसका भाग हो रहा है वो सभी किस में चली जाएंगे, गुणा में, तो 10 × 4 × 4। ठीक है, 10 × 4 × 4 और भाग में क्या जाएगा, जिसकी गुणा हो रही है उसका भाग हो जाएगा 11 × 23 × कितना बचा 11 × 23 × यहाँ कुछ बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 11 × 23 हो जाएगा। अब देखिएगा, हम इसे काट लेते हैं, 11 से जाएगा 11 एकम 11 कितना बचा 1, 11 एकम 11 कितना बचा
5, 11 पंजे 55 और 23 पंजे 115। तो देखिएगा कितना आ जाएगा, 10 चौक 40, 40 चौका 160 पंजे, 16 पंजे 80, तो कितना आ जाएगा 800 रुपये। यानी उसका उत्पादन मूल्य कितना था, 800 रुपये था। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको इस टाइप का पहले भी एक क्वेश्चन कराया है, ये कल वीडियो के लास्ट अंत में मैंने छोड़ा था, जिसका उत्पादन मूल्य कितना है, जिसका लाभांश 10%, 15% और 25% लाभ होने के बाद वस्तु 1265 की हो जाती है, तो उसका उत्पादन मूल्य कितना था, तो उत्पादन मूल्य कितना है 800। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज अपने बट्टे की तरफ, यानी डिस्काउंट क्या होता है। देखिएगा हम क्रम वाइज चल रहे हैं हर एक टाइप के क्वेश्चनों को लेकर के, और अलग अलग क्वेश्चन हम करते हैं। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा डिस्काउंट से हम बात कर रहे हैं, तो आज पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 20% और 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, कितने 20% और 10% के समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा की इसने बात की है, 20% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, तो यानी 20% बट्टा है और 10% बट्टा, तो देखिएगा 20% बट्टा प्लस 10% बट्टा, बट्टे में ये जो चिन्ह हम रखते हैं यहाँ माइनस का रखते हैं, 20 × 10/100, तो दो जीरो से दो जीरो चली जाती हैं, कितना आ गया 20 × 10 = 30 और माइनस 2 = 28% समतुल्य बट्टा हो जाता है। ठीक है, और देखते हैं 20 और 10 = 30% बट्टा था समतुल्य पर, तो बट्टा समतुल्य पर कितना हो जाएगा, तो 30 था, अब देखो सही मामले में वो 30 नहीं था, सही मामले में वो 28% बट्टा था। यहाँ तक बात समझ में आई, मैंने आपको बताया था जब हम वहाँ करते थे पिछली परसेंटेज की वीडियो में, वृद्धि प्लस वृद्धि 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 वृद्धि, यहाँ जो निशान आता था वो इन दोनों पर डिपेंड आता था, लेकिन अब क्या है वो इन दोनों पर डिपेंड नहीं, वो यहाँ हमेशा माइनस में ही आएगा। क्लियर है, तो अब चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से मैंने आपको बट्टे से समझाया है, बिल्कुल बेसिक है अभी, तो बेसिक से हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसा ही, 20% और 15% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, कितना 20% और 15% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो देखिएगा 20% बट्टा प्लस 15% बट्टा माइनस 20 × 15/100, 20 × 15 = 100, 5 × 3 = 15, तो 20 और 10 = 30 = 5 = 35, में से जब आप 3 घटाओगे तो कितना जाएगा 32% समतुल्य बट्टा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन आज का, इसको भी हमने क्लियर कर लिया है। अब देखिएगा अभी तक दो बट्टे थे, मानो तीन बट्टे की बात करें वो, और तीसरे क्वेश्चन की आज हम बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं और तीन बट्टे लेते हैं, तो उसने कहा है 20% 25% तथा 10% के समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। तो समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है 20%, 25% और 10% के, 20, 25 और 10% के समतुल्य बट्टा हमें ज्ञात करना है। यहाँ तक सभी को समझ में आया है, देखिएगा जब तीन प्रकार के बट्टे होते हैं तो हम इसे दो प्रकार से कर सकते हैं, जैसे पहला वही जैसे हम करते आ रहे हैं, पहले में हम दो बट्टे लेते हैं, तो 20 + 25 - 20 × 25/100, 20 × 25 = 100, 5 × 25 = 25, 20 × 45 = 45 - 5 = 40, तो 40% समतुल्य बट्टा आ गया। अब एक 40 लेंगे और लास्ट वाला लेंगे, तो 40% + 10% - 40 × 10/100% बट्टा, तो कितना आ जाएगा 4 × 40 = 10 = 50 - 4 = 40% क्या हो जाएगा समतुल्य बट्टा हो जाएगा, कितना
40% समतुल्य बट्टा हो जाएगा जब 3/2 की बात करता है। एक तरीका तो हमारा ये था, और दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया होगा पिछले क्वेश्चनों में कि हम 100 मान लेते हैं और जिस संख्या को हम मानते हैं बाद में उसी में से उस बट्टे को घटा लेते हैं। पहला है 100 पर ही कितने परसेंट बट्टा, 20% बट्टा। अब 20% बट्टा दिया गया 100 पे, तो कितना कमी रह गई, 80, यानी 80% तो बटे 80/100। गुणा दूसरा है 25%, तो 75/100। तीसरा है 10%, तो 90/100। यहां तक समझ में आया, 100 से 100 खत्म हो जाता है, इन दो जीरो से एक, ये दो जीरो एक, ये दो जीरो, 25 + 75, 25 × 100, 4 से जाएगा, 4 × 2 = 8, तो कितना आ गया, 2 × 3 × 9, 3 × 2 = 6, तो 54 आ गया। अब 54 को हम 100 माना है, तो 100 में से ही इसको हम माइनस कर लेते हैं 54 को, तो कितने प्रतिशत, 10 में 4 गए 6 और 9 में 5 गए 4, तो 46% हमारा बट्टा आ जाता, जो कि दोनों में ही हमारा सेम बट्टा निकल कर आया है। देखिएगा बहुत ही आसानी से हमने बट्टे के, तीन प्रकार के बट्टों के क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लिया है। एक बार 2 मानकर करते हैं जो लास्ट में निकल कर आता है, फिर उसको अगला बट्टा मान लेते हैं, एक बट्टा इसको मानते हैं जो निकल के आता है, और दूसरा बट्टा तीसरे बट्टे को मान लेते हैं, तो हमारा आंसर आता है 46%। अगर हम 100 मानते हैं, उस पर काम करते हैं, तो इसी 100 में से लास्ट का बट्टा हम घटा लेते हैं जो निकल के आता है, फिर हमारा समतुल्य बट्टा आ जाता है, तो कितना है, 46%। चलते हैं आज के अपने चौथे क्वेश्चन की ओर, यानी तीन प्रकार का बट्टा, फिर एक और क्वेश्चन हम लेते हैं और देखते हैं आप सीख पाते हैं या नहीं। पहले खुद से कीजिएगा वीडियो रोक करके, उसके बाद वीडियो को देख करके अपना सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, क्या कहा है, 30%, 20% और 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। 30, 20 और 10% के समतुल्य बट्टा। अब देखियो, हम दो बार की तरह से करते हैं, तो 30 + 20 - 30 × 20/100, तो 2 × 0 = 2, 30 × 20 = 50 - 3 × 2 = 6, तो ये कितना आ जाएगा, 44%। अब 44% बट्टा ये रहा और 10% ये, सेकंड में करते हैं, 44 + 10 - 44 × 10/100, 0 × 0, और ये कितना हो जाएगा, 44 × 10 = 54 माइनस, जब इसका भाग देंगे तो ये जाएगा 4.4, तो कितना आ जाएगा, 10 में 6 गए 4, पॉइंट लगा लिया। अब 13 में 4 गए 9, तो कितना बचा, 4, तो 49.4% क्या आ गया हमारा समतुल्य बट्टा, कितना 10 में 4 जाएंगे तो 6 बचेगा, 49.6% आएगा, 49.6% हमारा समतुल्य बट्टा आ जाता है। और इसी को हम जब हम 100 पे करते हैं, तो 100 हमने माना, जो मानते हैं उसी को लास्ट में घटा लेते हैं, 30% बट्टा है तो 70/100, 20% बट्टा है तो 80/100, और 10% बट्टा है तो 90/100। ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर है, 2 × 0 = 2, 2 × 0 = 2 और 1 से ये वाली 0, कितना जाएगा, 7 × 8 × 9, तो क्या होगा, 7 × 8 = 56 × 9, तो कितना जाएगा, 9 × 6 = 54 + 5 और 9 × 5 = 45 – 46 + 48 – 49 – 50, कितना हो जाएगा, 504। अब देखिएगा ये 10 हमारा भागा में रह गया था, तो हम इस 10 को भागा में रखेंगे, तो इसके भी ये कहाँ रहेगा, भागा में, जब इतना आ गया तो इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 50.4। क्लियर है, तो अब ये आ गया हमारा 50.4। मैंने आपको बताया है जो हम शुरू में मानते हैं उसी को हम लास्ट में घटा लेते हैं, तो 100 में से जब हम 50.4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 49.6% समतुल्य बट्टा। देखिएगा बहुत ही आसानी से हमने स्टार्टिंग बेस मानकर बिल्कुल डिस्काउंट के बट्टे वाले क्वेश्चन, 2 बट्टे हों 3 बट्टे हों कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, सिंपल बेसिक तरीका भी है, या 100 मानकर भी आप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो तब चलते हैं आज के अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। देखिएगा बट्टे वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं और बट्टे को हम देख रहे हैं कैसे बट्टा घटता है या कैसे बट्टे में कमी आती है। तो देखिएगा
आज का हमारा पांचवां क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन में क्या कहा, एक व्यापारी एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है, कितने में, 450 रुपये में खरीदता है तथा इसका अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है, 10% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या था, यानी 450 रुपये में बेच रहा है तो उसका क्या है वो विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य क्या करवाया है, ज्ञात करवाया है। देखिएगा 450 विक्रय मूल्य है, यानी इसी पे कितने का लाभ कमा लिया उसने, 20% का, तो 120/100, तो ये दो जीरो से दो जीरो खत्म, 12 × 5 = 60 की जीरो हासिल 6 है और 12 × 4 = 48, 49 + 50 = 51, 52 + 53 = 54, यानी 540 क्या था उसका विक्रय मूल्य, ठीक है। और 10% बट्टा देता, बट्टा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर, और वो चीज क्या बन जाती है बट्टा देने के बाद, विक्रय मूल्य, यानी बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य आया 450, क्रय मूल्य हमने निकाल लिया 540 और अंकित मूल्य निकालेंगे, यानी कि 90 का मान है 10% बट्टा देने के बाद 540, तो 100% की वैल्यू कितनी, देखिएगा तो 100% की हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे बटे कितना 90, 0 से 0, 9 × 6 = 54, तो 600 क्या हो गया उसका, 600 उसका अंकित मूल्य जो उसने ज्ञात करवाया है। एक तरीका तो हमारा ये कहता है, और एक क्या कहता है, देखिएगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ठीक है। अब देखिएगा 10% बट्टा देने के बाद, बट्टा किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर, 10% अगर मैं बट्टा देता हूं, 10% का मान कितना होता है, 1/10, क्लियर है, यानी 10 की कोई चीज थी, 1 का बट्टा दे दिया तो कितने की रह गई, 9 की रह गई, ठीक है। और 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है, अब 20% का लाभ कितना होगा, तो 20% का मान होता है 1/5, यानी 5 की चीज थी, 1 का लाभ कमा लिया, 6 की बेच दी, तो ये चीज क्लियर है। अब एक बात बताइएगा कि हमारा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य समान होने चाहिए, लेकिन यहां विक्रय मूल्य तो अलग अलग आ रहे हैं, अब इन्हें हमें समान बनाने के लिए किसी एक संख्या से गुणा करना पड़ेगा, कि गुणा करने के बाद विक्रय मूल्य भी सेम हो, अंकित मूल्य भी और क्रय मूल्य भी। तो देखिएगा यहाँ 9 है और यहाँ 6 है, यहाँ हमें इसके बराबर करना है, यहाँ इसके बराबर, तो ऊपर मैं 6 की गुणा कर लेता हूँ और नीचे 9 की कर लेता हूँ, जो कि 9 की इधर वाली इक्वेशन में पूरी में होगी और 6 की ऊपर वाली इक्वेशन में पूरी में होगी। अब देखिएगा 9 की इसमें भी करूँगा, 9 × 5 = 45, क्लियर है, और 9 × 6 = 54 या 6 × 5 = 54, अब देखिएगा और 10 × 6 = 60, तो हमारा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य आ गया है, हमारा क्रय मूल्य है 45, विक्रय मूल्य 54, अंकित मूल्य 60 है, तो उसने कहा है 450 रुपये में बेचने पर, तो ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य, यानी 54 का मान है 450 रुपये, क्या पूछा है अंकित मूल्य ज्ञात करो, तो अंकित मूल्य हमें 450 रुपये में खरीदता है, सॉरी एक घड़ी को 450 रुपये में खरीदता है, तो खरीदने का मतलब है ये क्या है हमारा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 45, जब क्रय मूल्य हमारा 45 है और वो कितने में खरीद रहा है 450 में, यानी हमने इसका मान बराबर ये रख दिया। अब वो पूछ रहा है अंकित मूल्य, आपसे चाहे अंकित पूछे, चाहे विक्रय पूछे, चाहे क्रय पूछे, अब जिसका भी पूछा है उसका मान रख के आप वो निकाल सकते हैं, अंकित का पूछा है, अंकित कितना है 60 है, तो 60 का मान कितना, तो 60 का मान बटे 45, 45 से जाएगा 10 बार और 60 × 10 = 600 रुपये, तो 600 क्या था हमारा अंकित मूल्य, यानी कोई चीज 450 रुपये में खरीद कर उस पर 20% लाभ कमा लिया, 20% लाभ कमाया तो 540 में बेच दी, जो कि क्या है आपका विक्रय मूल्य, और 10% बट्टा देता है, तो अंकित पर 10 का बट्टा दिया, जब वो विक्रय मूल्य होगी, जब 10 का बट्टा दिया तो 90 का मान ही 540 हो गया, तो 100 का कितना अंकित मूल्य, यानी 600।
अब देखिएगा, अब सेकंड तरीके पे हम अपने पाए हैं, तो सेकंड तरीके में हमने क्या किया है, 10% का बट्टा, तो 1/10, यानी 10 की चीज 9 की रह गई, यानी अंकित मूल्य पर बेचने पर 10 की चीज कितने की रह गई, 9 की रह गई। अब 20% का लाभ, 1/5, 5 की चीज 6 में बेच दी, पर जब 5 की 6 में बेच दी और विक्रय मूल्य हमारे अलग लगा रहे हैं, तो दोनों को सेम करने के लिए 9 में 6 की गुणा करी और 6 में 9 की गुणा करी। अब 9 की जब इसमें करी है तो इसमें भी होगी, और 6 की इसमें करी है तो इसमें भी होगी। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया होगा, हमारा आंसर आ गया है पांचवें क्वेश्चन का छठा आंसर है 600 आंसर है, यानी अंकित मूल्य कितना था उस वस्तु का, 600। इसे मैं मिटा देता हूं, चलते हैं आज के छठे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्या है आज का हमारा छठा क्वेश्चन, देखिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का, देखिएगा किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का मतलब गुणा कितना, 80% है, तो 80/100% हटा दिया हमने, 100 लगा लिया, 80% है, 12% का बट्टा देने के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है, तो देखिएगा हम यहां से क्रय और अंकित निकाल लेते हैं, तो क्रय अपॉन अंकित, देखिएगा क्रय मूल्य का मान है हमारा 80, और जब 100 ये यहां भाग में आ रहा है, इधर जाके गुणा में आ जाएगा, तो ये अंकित का मान हो जाएगा 100। जब क्रय मूल्य 80, अंकित मूल्य 100 है, देखिएगा क्रय विक्रय अंकित, क्रय है 80, अंकित है 100। आगे क्या कहा है, यदि 12% का बट्टा देने के बाद, बट्टा किस पे दिया जाता है, अंकित पे, अंकित का 12% बट्टा 12 ही रहेगा, तो 100 में से 12 गए तो 88। यहां तक सबको समझ में आया, 100 में से 12 हमने निकाल दिया तो 88 में उसने बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ होता है क्रय पे विक्रय करने के बाद 8 रुपए का लाभ हुआ, किस पर, 80 पे, क्योंकि लाभ प्रतिशत की बात की गई है, लाभ पूछता तो केवल 8 था, और लाभ प्रतिशत पूछा है तो 8/ क्रय मूल्य इंटू 100, तो 0 से 0, 8 से 8 चला जाएगा, तो 10% क्या होगा उसका, लाभ हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करता हूं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, तो 80/100, क्रय और अंकित यहां से निकाल लेंगे, क्रय का मान 80 और 100 इधर चला जाएगा, तो अंकित का मान कितना हो जाएगा, 100, क्रय 80 अंकित 100, और 12% छूट देने के बाद, अब या बट्टा देने के बाद, बट्टा किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर, अंकित पे 100 था, अब 100 में ही 12 का हमने बट्टा दे दिया, 100 में 12 का बट्टा दिया तो चीज बेच दी 88 की, 100 में 12 हमने माइनस किया और 88 की वो चीज बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ पूछता तो 80 से 88 पे गए तो 8 रुपए का लाभ, अब लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 10% का उसको क्या होगा, लाभ हो जाएगा। यहां तक सभी को समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, चलते हैं आज के अपने सातवें क्वेश्चन की ओर। देखिएगा का क्या कहा गया है हमारे सातवें क्वेश्चन पे, मैं पढ़ता हूं एक बार, बहुत ही आसान है बट्टा भी, ऐसा नहीं है कोई चीज समझ में नहीं आई, जब तक हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं तब तक चीजें बहुत ज्यादा कठिन लगती हैं, लेकिन जब हम एक बार किसी चीज पर जिद बैठा लेते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो सातवां क्वेश्चन आज हम चलते हैं, कोई व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य, सॉरी उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है, देखो क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो माना मैंने 100 था क्रय, 20 अधिक अंकित कर दिया तो 120 हो गया, यहां तक कोई डाउट है, आगे देखिएगा, अधिक अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है, 10% का बट्टा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है,
अब 120 पे मैं 10% का जब बट्टा निकालूं तो कितना आता है 12 रुपए, और 120 में से मैं 12 घटाऊं तो कितना आएगा 108 रुपए में वो उसको क्या कर देता है, बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, देखिएगा 100 रुपए की चीज थी 108 की बेच दी, यानी 8 रुपए का उसे लाभ हो गया। यही लाभ किसमें पूछा है, लाभ प्रतिशत में पूछा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर 8/100 × 100, 100 से 100 चला जाएगा तो 8% ही उसका लाभ हो जाएगा, क्योंकि किराया हमारा कितना है 100 है, 100 पर ही उसने 20% अधिक अंकित करता है और 10% का बट्टा देता है। 120 पे 10% का बट्टा आ गया 12, 120 में से 12 घटाता हूं तो 108 आता है, जो कि क्रय मूल्य से कितना अधिक है 8 अधिक है, यानी 8 रुपए का ही लाभ होता है और 8 ही प्रतिशत का लाभ होता है। तो यह था आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। तो देखो क्या कहा गया है 8वें क्वेश्चन में, यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिएगा, चलता हूं 8वें क्वेश्चन की ओर। तो क्या है आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, मैं एक बार पढ़ता हूं, देखिएगा। एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपए है, कितना अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 600 रुपए है, क्लियर है। अब देखिएगा, दो क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपए रह जाता है, बट्टा देने के बाद कितना रह जाता है 432 रुपए रह जाता है। अब इसने कहा यदि इसका पहला बट्टा 10% हो, पहला बट्टा कितना 10%, और तो उसका दूसरा बट्टा कितने प्रतिशत था, दूसरे का क्या कहा इसने, दूसरे बट्टा पर पूछा है कितने प्रतिशत था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखिएगा, अंकित मूल्य था 600 और अंकित पे ही बट्टा दिया जाता है, मानो 600 रुपए अंकित मूल्य था, 10% का पहला बट्टा दिया गया, जब 10 का बट्टा दिया गया तो चीज रह गई 90 की, तो 90/100, तो दूसरा बट्टा कितने का, माना ए रुपए का दिया दूसरा बट्टा, तो ए 100, और चीज कितनी रह गई दोनों बट्टे देने के बाद 432 रुपए की, तो 432 हमने यहां रख दिया, इस 100 से ये दो जीरो खत्म, एक जीरो से ये जो एक जीरो खत्म, तो ए बराबर 432 × 10, क्योंकि भाग में है इधर जाके और उधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो कितना बचेगा 6×9। अब इसे हम काट लेते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 216, अब फिर काट लेंगे, 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6, 9 × 8 = 72, 8 × 80 = 80, तो दूसरा बट्टा कितने का, अब 100 में से ही जब मैं 80 को घटाता हूं तो बट्टा आता है 20% का। ये था आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, एक बार फिर रिवाइज करता हूं, अंकित मूल्य था 600 और बट्टा देने के बाद मूल्य रह गया 432, यदि पहला बट्टा 10% था तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए, 600 रुपए पर पहला 10% बट्टा दिया तो चीज रह गई 90/100 की, दूसरा बट्टा ए माना अपॉन 100 बराबर चीज रह गई 432 रुपए की, जब 432 की चीज रहेगी काटा पीटी करने के बाद ए का मान निकल के आया हमारा 80, अब 100 में से बट्टा बनाने के लिए 80 हमने माइनस किया तो 20% उसका क्या था, दूसरा बट्टा था, तो मैं यहां लिख देता हूं, तो उसका बट्टा था 20% दूसरा, यही हमारा आंसर है। तो आज आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ के फिर जाता हूं, क्या है क्वेश्चन, मैं एक बार रिवाइज करता हूं। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपए है, इस पर 15% का एक बट्टा दिया जाता है, कितना 15% का एक बट्टा दिया जाता है, इसके बाद दूसरा बट्टा दिया जाता है, जिससे पेन का मूल्य 8.16 रुपए, कितना 8.16 रुपए हो जाता है, तो दूसरे बट्टे की दर कितनी थी या दूसरा बट्टा कितना था, इसके ऑप्शंस हैं 20%, 30%, 40% और 50%, और वीडियो को यहीं आज हम
ख़त्म करते हैं। और हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, 8 क्वेश्चन किए हैं, 9वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया है। बहुत ही आसानी से आपने ये सभी क्वेश्चन समझे होंगे, मुझे उम्मीद और आशा है सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक। धन्यवाद।